सपोज कि आपके पास एक गरम फ्राइंग पैन है, ये काफी गरम है, इसको आपको ठंडा करना है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, बहुत ठंडा होगा ये पानी। और दूसरा ऑप्शन, आपके पास उसी अमाउंट में, उसी मास का 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, आइस है। आप कौन सा यूज करेंगे? क्या आप यहां पर पानी डालेंगे या फिर इस आइस को डालेंगे? ठंडा करने में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी या फिर 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर क्वेश्चन को आप यहां पर देखें तो सवाल यही है, सिर्फ यहां पर आपको 273 केल्विन दिख रहा होगा। ये 273 केल्विन ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस लेवल पे, स्टैंडर्ड 9th लेवल पे मैं यही कहूँगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है। एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, तो वो जो छोटा सा 0.16 है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो यहां पर देखें, 0 डिग्री सेल्सियस का क्वेश्चन को देखें, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी या 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, इनमें से कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा किसी भी चीज को, गर्म चीज को ठंडा करने में? तो इस एग्जाम्पल में ये क्या है, ये गर्म पैन जो है इसे हमें ठंडा करना है। तो यहां पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, वो हिंट क्या है, देखिए ये जो पानी है, ठंडा पानी, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी और 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ, ये बना कैसे, आप कैसे बनाएंगे? तो दो मग में हम पानी लेते हैं, चलिए इक्वल अमाउंट में पानी लेते हैं और उसे फ्रिज में डाल देते हैं। हमने फ्रिज में डाल दिया, कुछ देर बाद, चलिए कुछ मान ले आपके पास ऐसा एपरेटस है जिससे कि आप मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को और उसके स्टेट को, किस स्टेट में है। कुछ देर बाद आप ये पाएंगे कि दोनों दोनों कंटेनर का पानी 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, लेकिन दोनों का दोनों जो है पानी ही रहेगा। अब जो पानी, पहला वाला जो बर्तन है उसे आपने बाहर निकाल दिया, तो वो क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी हो गया। दूसरे कंटेनर को आपको फ्रिज में रखे रहना होगा और भी बहुत देर बाद, ये धीरे धीरे और ठंडा होगा और ठंडा होते हुए इसके स्टेट में चेंज होगा, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट होगा। काफी देर बाद बहुत सारा एनर्जी इससे निकलेगा, हीट एनर्जी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से निकलेगा, तब जाके ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये रहा आपके लिए हिंट। अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा कूलिंग के लिए और क्यों होगा ऐसा। आप गौर करें, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में जितना हीट एनर्जी है उससे कम हीट एनर्जी है 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में, भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो, क्योंकि इस स्टेट में पहुंचने के बाद, इस स्थिति में पहुंचने के बाद और भी इससे एनर्जी ड्रॉ आउट करना पड़ता है, इससे हीट बाहर निकालना पड़ता है, तब जाके ये आइस में कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट होता है। तो अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा इसी को देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल दो आइडेंटिकल पैन लेते हैं जो कि बिल्कुल सेम टेम्परेचर में हो, लड़ से 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में है, काफी गर्म है ये, इसको हमें ठंडा करना है। हमने क्या किया, वो जो पानी था, ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हमने यहां पर डाल दिया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। और दूसरे पैन में हमने 0 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ था, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, इसे हमने यहां पर डाल दिया। तो देखिए कौन ज्यादा ठंडा करेगा पैन को। अब देखिए यहां पर होगा क्या, सबसे पहले इस बर्फ वाले केस को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि कुछ देर बाद, बर्फ को इस गर्म पैन में डालने के कुछ देर बाद ये बर्फ पिघलेगा, पिघल के पानी में कन्वर्ट होगा। तो इस दौरान जो ये बर्फ था ये जो पानी में कन्वर्ट हुआ, इस दौरान इसने बहुत सा हीट एनर्जी पैन से ड्रॉ कर लिया, यहां से पैन से इसने हीट को ड्रॉ किया,
हीट को खींचने के बाद, उस हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी में कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ। इस दौरान इसने बहुत सा हीट एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर लिया, बहुत सा हीट एनर्जी, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बहुत सा हीट एनर्जी इसने ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर लिया, ऑलरेडी पैन को ये बहुत ठंडा कर दिया। उसके बाद ये इस स्टेट में पहुँचता है, 0 डिग्री के वाटर के स्टेट में पहुँचता है। तो फिर आप गौर करें, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी जितना इस पैन को ठंडा कर पाएगा उससे कहीं ज़्यादा ठंडा 0 डिग्री का आइस कर पाएगा, क्योंकि 0 डिग्री का वाटर बनते बनते ये ऑलरेडी बहुत सारा एनर्जी, हीट एनर्जी ये पैन से खींच लेगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बर्फ़ जो पानी में पिघला, इसके लिए इसने जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब किया, इस हीट एनर्जी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो यहां पर मैं लिखता हूं लेटेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, पानी के लिए ये जो होता है, आप बर्फ के लिए भी कह सकते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर दैट इज इक्वल टू 334,000, 3,34,000, इतना जूल पर किलोग्राम। मतलब क्या है इसका कि 1 किलोग्राम का अगर आप बर्फ लेते हैं, उसे पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट करने के लिए वो जितना हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू दिस 334,000 जूल। तो जूल के साथ ये जो हीट है, टेम्परेचर है, इसका जो रिलेशन है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि मान ले 1 किलोग्राम का पानी है, 1 किलोग्राम का पानी है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है, चलिए क्यूब अमाउंट का हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ा, तो दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू 4184 जूल। तो जूल के साथ टेम्परेचर का एक बेसिक सा रिलेशन समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया। 1 किलोग्राम के पानी में अगर 4,184 जूल हीट एनर्जी आप देते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर 30 डिग्री सेल्सियस में है 1 किलोग्राम का पानी, उसमें आपने इतना सा एनर्जी दे दिया 4,184 जूल, तो फिर उसका टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहां से अब आप कंपेयर करें कि इतना 334,000 जूल एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम के बर्फ को 1 किलोग्राम के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम के 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 1 किलोग्राम के 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए। ये बहुत एनर्जी होता है, आप इससे अंदाजा लगाइए, इसके साथ इसे कंपेयर कीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो इतना एनर्जी, अगर मान ले 1 किलोग्राम का पानी यहाँ पर था और 1 किलोग्राम का बर्फ यहाँ पर था, तो 1 किलोग्राम का बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस का 1 किलोग्राम के 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होने के लिए ऑलरेडी पैन से इतना जूल एनर्जी, 334,000 जूल एनर्जी ड्रॉ कर चुका है, तब जाके ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी में कन्वर्ट हुआ। अब देखें इसके साथ इसको अब कंपेयर करें, अब आगे ये जितना हीट अब्जॉर्ब कर सकता है ये भी उतना ही हीट अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उससे पहले ही ऑलरेडी इसने हीट अब्जॉर्ब कर लिया है पैन से। इसका मतलब यही बना कि 0 डिग्री सेल्सियस का, दैट मीन 273 केल्विन का आइस इज मोर इफेक्टिव देन 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन 273 केल्विन केल्विन का जो वाटर है उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप चाहते हैं कि केल्विन स्केल पे वीडियो बने,
केल्विन स्केल एग्जैक्टली क्या है, इसके साथ सेल्सियस स्केल का रिलेशन कैसा है और क्यों है, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाने का। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर कमेंट करते हैं, अगर आप लोग डिमांड करते हैं, तो मैं ज़रूर से इसे बनाऊँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि स्टैंडर्ड 9th के लिए साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।